So recently I took a bike trip to this beautiful place known as Sikkim. So come join me and be the witness of this beauty. To explain the peace and the beauty of this place. This place has a magic of its own. Good morning, it's the third day of the trip. So, आज का प्लान था कि हम लोगों को निकलना था नाथुला के लिए, लेकिन कल रात को बहुत लेट हो गया था क्योंकि हम लाचुंग से निकले थे तो अराउंड 11 PM के अराउंड हम पहुंचे यहाँ गैंगटॉक, और पास के लिए अप्लाई करना था और पास का यहाँ बता रहे हैं कि एक दिन लग जाएगा. तो आज का दिन कुछ भी नहीं कर रहे तो हम लोग साउथ सिक्किम के लिए जा रहे हैं. तो बुद्धा पार करके एक जगह है तो हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं. तो पास के लिए अप्लाई कर दिया ऑलरेडी और कल मिल जाएगा, तो कल नाथुला के लिए जाएंगे. अभी साउथ सिक्किम के लिए भी बहुत लेट हो गया है, टाइम अराउंड 1 PM हो गया है. तो देखते हैं टाइम से पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं. बुद्धा पार्क भी बहुत अच्छी जगह है, तो आप लोग अगर आओ तो वहाँ भी जाके आ जाओ. तो ये जो आप जगह देख रहे हो, इसी जगह पे आप अप्लाई करोगे अगर आपको जाना है नाथुला और चांगू, यहीं पे आपको वहाँ का परमिट मिलेगा. गुड आफ्टरनून गाइस, माय नेम इज़ सैम, यू आर वाचिंग एकॉस्टिक ट्रैवलर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. तो मैं जस्ट अभी गैंगटॉक से निकल रहा हूँ और जो ऊपर आपको जगह दिखाई उस जगह का नाम है जीरो पॉइंट. वहीं पर आप अप्लाई करोगे नाथुला और चांगू के पास के लिए, तो मैं उसके बारे में आपको विस्तार में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा. तो पहले मैं आपको आज के ट्रिप के बारे में बता देता हूं. तो मैं जस्ट अभी गैंगटॉक से निकल रहा हूं, टाइम हो गया है अराउंड 1:30 PM. तो पहले तो हमने प्लान किया था कि हम आज नाथुला एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन कल रात को आते आते काफ़ी लेट हो गया और जो सुबह हमने परमिट के लिए अप्लाई करना था तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि हमें जगह का पता नहीं था और यहाँ वहाँ जाते जाते काफ़ी टाइम लग गया. तो आज परमिट नहीं मिलेगा, परमिट कल मिलेगा. तो कल हम जाएंगे नाथुला के लिए. तो आज अभी मैं निकल रहा हूँ रावांगला साउथ सिक्किम के लिए, वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे बुद्धा पार्क. लेट हो गया है थोड़ा आज के हिसाब से, मतलब मैं अभी मेरे को लग भी नहीं रहा कि टाइम से पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ. और मैंने नेट पर देखा था काफ़ी अच्छी जगह है, तो अभी यहीं के निकल रहे हैं. तो अभी जस्ट अभी जल्दी से लंच कर लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद. हे वेलकम अगेन. तो अभी मैंने 30 किलोमीटर के आसपास जो है कवर कर लिया है रास्ता. जो रोड का कंडीशन आप देख ही रहे हो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ख़राब रोड आ रहा है, लेकिन जो ओवरऑल रोड है वो काफ़ी सही है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ सिक्किम. तो जो आज का जो टोटल सफ़र है वो अराउंड 67 किलोमीटर है. हमने काफ़ी लेट शुरू किया था गैंगटॉक से, अराउंड 1:30 PM को हम निकले थे. तो मेरे को बस यही डर लग रहा है कि जब तक हम पहुंचेंगे वहाँ पे कहीं वो पार्क बंद ना हो जाए, तो आज का जो जर्नी है कहीं वेस्ट ना चला जाए. देखते हैं क्या होता है. तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ पे अप्लाई करोगे नाथुला और चांगू के परमिट के लिए. तो ये जगह का जो नाम है वो है जीरो पॉइंट, MG मार्ग से अराउंड 1 किलोमीटर आसपास ही है, और वहीं पे आप अप्लाई करोगे. तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं वही आपके बाइक के डॉक्यूमेंट्स, आपका ID और आपका फ़ोटो. और थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पे, मतलब जो नॉर्थ सिक्किम के परमिट जो हमने बनाया था तो उसमें इतना टाइम लगा नहीं था, लेकिन यहाँ पे टाइम लग जाता है. वो बैंक में जाना पड़ता है, कुछ डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है. और अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आपके लिए एक टिप है कि जो टूरिस्ट गाइड और ये ब्रोकर वगैरह होते हैं इनके पास जाके मत करना, क्योंकि ये आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेंगे. जो एक्चुअल कॉस्ट हमें पड़ा था दो लोगों का परमिट के लिए विद बाइक वो था 300 रुपीज़. तो अगर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं तो आप ये कंसीडर कर सकते हो, यहीं पे आके अप्लाई करो, ज़्यादा कोई इशू नहीं है, ईजिली बन जाएगा. यार सिक्किम 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 कितने सरप्राइज दे रहा है यार. पिछले 4 दिन से मैं सिक्किम ट्रैवल कर रहा हूँ और हर जगह मुझे एक अलग तरह का लैंडस्केप दिखाई दे रहा है. यहाँ का देख रहे हो ना कितना अलग तरह का लैंडस्केप है. हम नॉर्थ सिक्किम गए थे तो आपने देखा था वहाँ पे बिल्कुल अलग तरह का लैंडस्केप था, वेजिटेशन नहीं था, जो पहाड़ थे मतलब बिल्कुल खाली थे, नो ट्रीज. अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो. लेकिन यहाँ का देखो यार, ये माउंटेन्स पूरे भरे हुए हैं विद ग्रीन ग्रीन माउंटेन्स. तो यार बहुत मतलब
मस्त ट्रिप हो रही है और मैं इतना इमेजिन नहीं कर रहा था कि मुझे इतना ये सब देखने को मिल जाएगा। और अब अगर आपने किसी दूसरी स्टेट में ट्रैवल किया होगा, आप लेह वगैरह भी गए होंगे, तो आपने वहाँ पर देखा होगा जो लैंडस्केप है वो इतना जल्दी चेंज होती नहीं है। किलोमीटर किलोमीटर तक जो लैंडस्केप है बिल्कुल सेम के सेम रह जाते हैं, लेकिन आपके में ट्रैवल करोगे तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। आपको मिल जाएंगे एकदम से पूरे पहाड़, एकदम पूरा हाइट में जाओगे, नो ऑक्सीजन, और अभी तो आप व्यू देख ही रहे हो। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो मैं एडवाइस कर सकता हूँ, आप सिक्किम में एक ऑप्शन की तरह यूज़ कर सकते हो और ट्रस्ट मी आपको रिग्रेट नहीं होगा। एज आई टोल्ड यू कि जो रास्ता है बीच बीच में सही आएगा और बीच बीच में थोड़ा खराब रास्ता आएगा, तो जो सही रास्ता था वो हमने कवर कर लिया है और जो अभी ये रास्ता है थोड़ा थोड़ा खराब है। और मेरे लेफ्ट साइड में जैसे आप देख रहे हो कितना गहरे गहरे खाई है यार, और हाँ अभी थोड़ा इंजॉय आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसे ही हम चला रहे हैं। आज की ट्रिप यार मतलब सही चल रही है, लेकिन मुझे बस एक ही डर है कि हम टाइम से पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी जो है मतलब काफ़ी अंधेरा होना शुरू हो गया है, अंधेरा तो नहीं बोल सकते लेकिन शाम हो गई है। तो बहुत देर के बाद हमें एक शहर नजर आया है, ये शहर का नाम है रवांगला, साउथ सिक्किम में ये है। तो ये एक स्मॉल टूरिस्ट टाउन है जहाँ का जो मेजर अट्रैक्शन है वो है बुद्धा पार्क। 8000 फीट यहाँ की हाइट है और पॉपुलेशन है वहाँ यहाँ की ये 2000 से ऊपर है। तो होटल्स वगैरह यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो आप स्टे कर सकते हो, अच्छी जगह ये भी। और यहाँ से आप जा सकते हो पैलिंग वगैरह के लिए, वहाँ पे है शायद इंडिया का फर्स्ट क्लास ब्रिज है और स्काई वॉक, तो यहीं से आप जा सकते हो वहाँ के लिए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको रात में रुकना पड़े तो आप यहीं पे रुक सकते हो। तो गाइस मैं पिछले 4 दिन से सिक्किम में ट्रैवल कर रहा हूँ और जो एक चीज़ मैंने यहाँ पे फील की है, जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, और मतलब आप पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं काफ़ी हेल्प करते हैं जो टूरिस्ट की। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मतलब तो आपको भी अगर किसी की हेल्प करने का मौका मिलता है तो आप लोग ज़रूर करना, आई नो आप लोग करते होंगे यार। लेकिन रिसेंटली कुछ केसेस आए थे और आते ही रहते हैं कि लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ थोड़ा मिसबिहेव कर रहे थे, ये सब सुन के यार बुरा लगता है, पता नहीं कौन है ये लोग, लेकिन है तो गलत बात ही। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं लेकिन लास्ट में तो हम इंडियन ही है ना। तो अगर आपको भी लगे कि कोई ऐसा कर रहा है तो आपको पता है क्या करना है। सो आई जस्ट चेक ऑन गूगल, अभी 3 किलोमीटर रह गया और जो टाइम है हमारे पास है अभी 4 ही बजे हैं, जो पार्क है 5 बजे के आसपास बंद होता है। तो मैं अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ और इतनी देर ड्राइव करने के बाद ना जैसे आप देखते हो ना उस स्टैचू की तरफ, मेरे राइट साइड में देख रहे होंगे बिल्डिंग के पीछे भी नज़र आ रहा होगा, मतलब मैंने ओनली गूगल पे देखा था, नेट पे उसका फोटोज़ देखा था कि एक स्टैचू है, जायंट बुद्धा स्टैचू। तो मतलब आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैं और जल्दी जल्दी ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो फाइनली पहुंच ही गए हम यहाँ पे, अभी मैं जस्ट बाइक लगा देता हूँ और जो भी अंदर जाने का फॉर्मेलिटीज़ होगा हम पूरा कर लेंगे। यार मेरे से वेट नहीं हो रहा, मतलब मैं जाना चाहता हूँ और हाँ आप लोगों से भी मतलब शेयर करने के लिए मैं एकदम एक्साइटेड हूँ। पता है आप लोग देख पा रहे इतनी दूर से, जो लोग जो गेट के लेफ्ट साइड में जो है वो है टिकट काउंटर, वहीं भी हम जा रहे हैं। जो टिकट का प्राइस अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास है, तो मैं जल्दी से टिकट लेके अंदर घुसने का ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं और हमारे पास 1 ही घंटा है और 1 घंटे में पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और जैसे ही मैंने वो जगह देखी ना तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल एकदम से हाई हो गया और मेरे से वेट भी नहीं हो रहा था और मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचने का ट्राई कर रहा था। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, अभी हम अंदर चलते हैं।
अभी मैं अंदर मोनेस्ट्री में जाके आ गया हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा, मोनेस्ट्री के अंदर जो है फोटोग्राफी अलोन ही होता है। जो अंदर का व्यू था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं। मोनेस्ट्रीज है ऑफकोर्स ब्यूटीफुल तो होती हैं, तो अभी आपको बाहर का दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इसके चारों तरफ ऐसे ही घूम रहा हूँ, मतलब ऐसा माना जाता है कि घूमते हैं, मुझे भी पता नहीं है, शायद प्रेयर्स वगैरह कुछ ऐसा होता है। तो मैं अभी घूम रहे हैं और जो लैंडस्केप है यहाँ का मतलब काफ़ी अच्छा है। चारों तरफ जैसे माउंटेन माउंटेन है और बीच में जो जगह है ये जगह है और काफ़ी सुंदर जगह है। तो हम लोग ना पूरी लाइफ निकाल देते हैं उस एक मोमेंट के लिए जो कि सिर्फ आपका हो। हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग पार्टी करते हैं, हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं ताकि आपको एक मोमेंट मिल जाए। और सच बोलूँ, जब वो मोमेंट आपको मिलेगा ना, आपके पास वर्ड नहीं रहेंगे, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, बस आप और आपका वो पल। तो उस दिन मुझे भी समय का पता नहीं चला और मैं इतना खो गया था इस जगह में, मुझे पता नहीं चला कब रात हो गई और सच बताऊँ समय कम पड़ गया था। भाई गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे थोड़ा हेल्प मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊं। और गाइस, जो वीडियो है ना पूरी देखना लास्ट तक, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करूँ। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, स्टे सेफ, टिल दैट पीस, बाय बाय।